हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गाड़ी वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक वर्मा। आज की वीडियो में मैं आपको टाटा की जबरदस्त ईवी सेगमेंट की गाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, और अगर नहीं किया है तो मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, टाटा ने हाल ही में एक कॉन्सेप्चुअल ईवी कार को रिवील किया है जिसका नाम है टाटा एवेन्या। ये गाड़ी नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी जिसे टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तैयार करेगी। एवेन्या थर्ड जनरेशन आर्किटेक्चर पे बेस्ड प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। गाइस, हम सभी जानते हैं टाटा अपने इंडिया का ही ब्रांड है, इसलिए टाटा ने इस गाड़ी का नाम एवेन्या रखा है, जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब इनोवेशन होता है। और सही में ही टाटा ने ऐसा इनोवेशन कर डाला जिसने दिल जीत लिया। और तो और, टाटा ने एक ऐसा बेंच सेट कर दिया है ईवी सेगमेंट के लिए जो कि अभी तक इंडिया मार्केट में किसी कंपनी ने नहीं किया है। टाटा एक के बाद एक मस्त ईवी कार्स पे काम कर रही है। अभी टाटा ने हाल ही में एक और ईवी कार शोकेस की थी जिसका नाम कर्व है। खैर, ऐसा कहा जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा चमड़ा बाटा बनाता है और सबसे ज्यादा लोहा टाटा बनाता है। अब सवाल आता है कि कब तक लॉन्च होगी ये नेक्स्ट जनरेशन एवेन्या। तो भाई लोग, ये 2025 में लॉन्च हो जाएगी, और इतना वेट करने में इंडियंस को काफ़ी फायदा भी है क्योंकि अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक फ्यूल स्टेशन थोड़े कम है, लेकिन आने वाले 3 सालों में इलेक्ट्रिक फ्यूल स्टेशन में भी काफ़ी इजाफा होगा। अब बात करते हैं टाटा ने किससे इंस्पायर्ड होके ये एवेन्या को बनाने का सोचा। तो गाइस, कैटामैन जो कि एक काफ़ी खूबसूरत शिप है, अब सोचो टाटा ने शिप की खूबसूरती से प्रभावित होके एवेन्या बनाना शुरू कर दी। एक सल्यूट तो बनता है भाई टाटा को। एवेन्या में एक नया सेलहाउट दिया गया है। अगर एवेन्या के कॉन्सेप्ट को समझे तो ये मिक्सोलॉजी है प्रीमियम हैचबैक की, एसयूवी की और साथ ही साथ एमयूवी की। तीनों का मिक्सचर कुछ ऐसा दिख रहा है और काफी शानदार दिख रहा है। फ्रंट और रेयर को एक अलग आइडेंटिटी दी गई है जैसे DRL। डोर्स के खुलने का पैटर्न देख के तो मजा ही आ जाता है। डोर्स ओपन होने के बाद तो एवेन्या बटरफ्लाई लगती है। इंटीरियर को देखे तो क्या प्रीमियम और स्पेशियस इंटीरियर दिया गया है, मतलब एक बार इसको खरीद डाला तो लाइफ सही में जिंगालाला हो जाएगी। गाइस, टाटा एवेन्या ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन को फोकस करता है जिसमें बैठने के बाद आपकी जो भी टेंशन हो आप वो सारी टेंशन भूल जाएंगे। आखिर टाटा ने इस कार को बनाया ही कुछ इस तरह से है। स्टीयरिंग व्हील को देखे तो वो काफी जबरदस्त लग रही है। आपकी वॉइस से स्टार्ट होने वाले जैसे काफी और भी फीचर्स मिल जाएंगे आपको इस गाड़ी में। अरोमा डिफ्यूजर जो आपकी गाड़ी के साथ साथ आपको भी एक प्लीजेंट फील देगी। अब देखते हैं क्या नया है एवेन्या में। तो ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि स्मार्ट, स्पेशियस, सस्टेनेबल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि एक ग्रेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस का दावा भी करती है। इंडिया से बाहर ये फुल्ली सेफेस्ट कार में होगी जो कि वाटरप्रूफ होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल वाटरप्रूफ होगी। और तो और, इसमें डस्ट प्रोटेक्शन भी होगी। हाई आर्किटेक्चर पे बनी एवेन्या जो कि काफ़ी इफ़िशेंट है, इसमें जो बैटरी यूज हुई है वो प्रॉपरली डिज़ाइन की गई है एवेन्या के लिए ही, जो कि 30 मिनट्स के चार्ज पे 500 किलोमीटर तक की रेंज कवर कर लेती है। और ओवरऑल देखें तो लेस मास है इस गाड़ी की, ताकि ये गाड़ी आराम से अपनी पिक पकड़ सके। एक्सटीरियर पे ध्यान दे तो एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन है जो कि कार की लेंथ को रन करता है और ख़त्म होती है ये फ्लोटिंग टेल लैंप्स पे, जिसमें रोल्स रॉयस SQ जैसे डोर्स है और ग्लास रूफ है। और देखे तो ब्लैकआउट ए पिलर है, इसी की वजह से इसमें फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट नज़र आता है। इसकी प्राइस की बात करूँ तो 30 लाख होगी इसकी एक्चुअल प्राइस। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट।